व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, ये वाला जो मैच है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर आपको बहुत ही तगड़े तगड़े 1v4 क्लचेस देखने को मिलने वाले हैं। और एक स्क्वाड तो ऐसी थी, मतलब यार इतनी ज्यादा गेम पर थी, और उसको देखना भाई, मैंने टीम अप करके मारा भाई, मतलब बहुत खतरनाक सीन है। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ जॉर्ज पुल पर, और यहाँ पर ना एक स्क्वाड आकर पीछे की तरफ में उतर जाती है और मेरे को मिल जाती है AKM। और देखना भाई इस स्क्वाड की उतरते कितनी बुरी लड़ी लगाएंगे। खैर यहाँ पर दो बंदे तो मैं नॉक डाउन कर देता हूँ, और इनका ना एक बंदा जो मैंने नीचे नॉक करा था उसको फिनिश करने जाऊंगा और देखना क्या होगा। तो गाइस यार फिलहाल यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और ये यहाँ पर बैठ के आराम से रिवाइव कर रहा था। अब इसको मारने के बाद मैं चले जाता हूँ पीछे वाले बंदे को फिनिश करने। खैर यहाँ पर ये वो बंदा था जिसको मैंने सेकंड नॉक दिया था, और यहाँ पर ना एक मैं छोटी सी मिस्टेक ये करता हूँ कि जिसको मैंने अंदर कंटेनर में नॉक डाउन करा था ना, उसको मैं फिनिश करना भूल जाता हूँ, और वो बंदा बाद में रिवाइव होकर आ जाता है। अभी फिलहाल पीछे की तरफ से फायरिंग आता तो मैं फटाफट से पीछे की तरफ रश कर देता हूँ। तो भाई यहां पर पीछे आते ही मैं इस स्क्वाड की बैंड बजा देता हूं, बेचारे आराम से बोट मार रहे थे। खैर यहां पर जिस बंदे को मैं नॉकडाउन करता हूं उसको तो मैं फटाफट से फिनिश करके अपना किल कंफर्म कर देता हूं, लेकिन ना यहां पर टायर के पीछे दो बंदे होते हैं। अब यहां पर मैं सोचता हूं कि ना इन्हें फ्लैंक करके मारूं, ऊपर से ना एमओ भी बहुत कम था, तो जैसे ही फ्लैंक करूंगा ये लोग उल्टा मेरे पे रश कर देते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर फाइनली मैं इस स्क्वाड को भी निपटा देता हूँ फटाफट से। और यहाँ पर ना अभी तक मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी, और आपको तो पता ही है भाई, बिना वेस्ट के बंदा एक दो गोली में गिर जाता है। और फटाफट से यहाँ पर मैं वेस्ट उतारता हूँ, और भाई इन लोग के पास इतनी तगड़ी लूट थी ना भाई, पूछो मत। मतलब कि स्कार आयल वगैरह, एमओ सब कुछ इसको सब भरा हुआ था। तो फटाफट इनको लूटता हूँ, और यहाँ पर इनको लूटने के बाद कंटेनर पर भी जैसे लूटने में जाता हूँ तभी सामने एक स्क्वाड और दिख जाती है। तो भाई यहाँ पर ये बंदा मेरे को जैसे ही दिखता है ना, और जितनी बार भी दिखता है उतनी बार इसके गोलियां पड़ती है, और ये पता है वही टीम थी जिसको मैं स्टार्टिंग में कंटेनर के अंदर फिनिश करना भूल गया था। तो भाई यहाँ पर तो मैं फुल मजे में कंटेनर पे चढ़ने जा रहा था, लेकिन मेरे से पहले वही चढ़ गया, और काफी स्मूथ नॉक देके यहाँ पर मैंने रश कर दिया इनके ऊपर। तो भाई साहब ये बंदा यहाँ पर आराम से फुल मजे में रिवाइव कर रहा था, लेकिन जैसे देखता है कि यहाँ पर मैंने रश कर दिया, फटाफट से रिवाइव कैंसिल करके भागता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूटता हूँ जॉर्ज पुल में, और दोबारा से चेक करने जैसे पीछे जाता हूँ वहां पर एक मेरे को बोट नजर आ जाता है। तो चलो भाई फाइनली इस बोट को मारने के बाद जॉर्ज पुल जो है पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अब यहाँ पर कोई कैंपर वैम्पर बचे उसका सीन मेरे को नहीं पता, लेकिन जितने बंदे थे उनको मैंने मार दिया। अभी फटाफट जाता हूँ जॉर्ज हिल की तरफ, मतलब कि यहाँ पर जॉर्ज सिटी जा रहा होता हूँ, और तभी सामने से अलग ही बंदा रश कर देगा। तो भाई ये बंदा सोच रहा हो कि जल्दी से ना चल के जॉर्ज पुल के बंदे मारते हैं, और मैं सोच रहा था जल्दी चल के जॉर्ज सिटी के बंदे मारते हैं। और जो बीच में क्लैश हुआ ना भाई, उसके अंदर अब इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड का मूड टूटने वाला है। तो
गाइस जो बंदा राइट में नीचे की तरफ से आ रहा था ना उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरे को लेफ्ट से 2 फुट आया ना भाई सच्ची में हालत टाइट हो गई थी। और इन दोनों के पास ना भाई दोनों पे उजी थी, और आपको पता है भाई उजी क्लोज में राजा है। बट यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने काफी गजब मूवमेंट दी और ये लोग बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर, मतलब एक HP भी नहीं गिरा पाए। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं आता हूँ गाड़ी लेने, और गाड़ी लेकर आपको बताइए मैं सीधा निकल जाऊंगा यहाँ से रोजॉक। तो गाइस यार अभी मेरी हमेशा की रोटेशन के हिसाब से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रोजॉक, और रोजॉक पर बंदे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ना इस बार सारे के सारे गेट बंद थे, लेकिन यहाँ पर ना एक बंदा था जो कि यार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया था ना, देखते जाओ क्यों। तो भाई यार सबसे पहले तो ये बंदा मेरे को फायर करके झटके से डरा देता है, उसके बाद जब मैं इसकी गोलियां बजाता हूँ ना तो भाई इसकी 0.01 HP बची होगी, और ये छत से कूदता है और इतने कम हाइट में भाई ये गिर के मर जाता है। भाई इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा ना मेरे को, पूछो मत यार, फ्री का एक किल चला गया बेमतलब ही। अभी फटाफट से ना गाड़ी भगा के ले जाता हूँ एप्स की तरफ, लेकिन गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब यार यहाँ पर ना पहले गाड़ी से उतरते हुए मैं बोट को मारता हूँ, और सामने रेड वाली बिल्डिंग में ऊपर की छत पर बंदा लेटा हुआ था, और भाई इसके भी थोड़ी गोली बजाता हूँ लेकिन नॉकडाउन नहीं होता, उल्टा यार बहुत जबरदस्त स्कैम करने लग जाता हूँ। नीचे वाले फ्लोर में भी इसके बंदे होते हैं जो कि इससे भी खतरनाक कैंप कर रहे थे। तो भाई यहाँ पर ना सामने वाले घर में एक बंदा छत पे लेटा हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पर 2 बैठे और सारे के सारे कैंप कर रहे हैं, और इनको कैसे मारा जाए ये देखो। यहाँ पर मैं लगा हुआ क्लासिक की सबसे खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स, यहाँ पर भी देखना, मतलब कि ना मैं बाहर निकल के मीटअप करने लग जाऊंगा इनसे, और जैसे ये लोग मीटअप करने के लिए अपनी शक्लें दिखाएंगे फिर इनका मुंह तोड़ के रश करूंगा। तो भाई यार जैसा कि आपने देखा ये जो ट्रिक है ना यार क्लासिक में कभी कभार बहुत ही ज्यादा काम आ जाती है, मतलब कि सामने वाले को लगता है कि उसका कोई बिग फैन मिलने आया, लेकिन यहाँ पर उसके साथ हो जाता है बहुत तगड़ा स्कैम। बेचारा इनका चौथा टीममेट पता नहीं कहां पर अपना फुल मजे में लूट रहा होगा, लेकिन जैसे उसे पता चला होगा कि मेरी कैंपर स्क्वाड को इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे आ सकती है, बेचारा फटाफट से बग्गी भगाता हुआ लाया और लाके ठोकी, और ठोकते ही मैंने उसके हेड हो जा दिया था, और यहाँ पर उसकी बग्गी भी फोड़ने की कोशिश करी लेकिन फूटी नहीं पता नहीं कैसे। अभी फटाफट से अपनी बग्गी लेकर मैं जाऊँगा, इनकी एक बाइक खड़ी थी पीछे, वहां से बाइक उठाकर मैं निकल लूंगा और बंदे ढूंढने, और अभी देखना भाई अभी तो और भी तगड़ी फाइट्स होंगी। तो भाई यहाँ पर से ना अपनी बाइक में भगाता भगाता सबसे पहले तो डासे चेंज करता हूँ, और अपनी गाड़ी को मैं सीधा ले आता हूँ ड्रॉप पर, और ये जो ड्रॉप थे ना यार काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर में थे, मतलब कि सवरनी साइड पर थी, और मुझे लग रहा था ना कि यहाँ पर भाई बंदे आएंगे लूटने लेकिन कोई नहीं आता, तो मैं अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेता हूँ, और तभी एक सपेरा दिख जाता है। फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को मैं बहुत ही बुरी तरह मारता हूँ, और इसके पास से मेरे को गिली मिल जाता है और MK14 मिल जाती है, तो अब देखना भाई क्या चलने वाली है MK14 ऑटो पर। अब यहाँ पर ना फटाफट अपनी गाड़ी भगाता भगाता भाई मैं ढूंढने लग जाता हूँ बंदे, लेकिन कहीं बंदे नहीं मिलते, और मैं वापस से जोन के बाहर आ जाता हूँ जॉर्जिक कंटेनर के पास, और यहाँ पर ना सामने वाले ब्रिज से 3 गाड़ियाँ आ रही होंगी, जैसे कॉम्पिटिटिव में नहीं होता सेम वैसा ही, लेकिन यहाँ पर तीनों को देखना कितना बुरा वाला मारूंगा।
एक बंदे को तो ना मैं पहले चलती गाड़ी से ही नॉकडाउन कर देता हूँ, लेकिन दूसरा वाला बंदा पीछे उतर जाता है और उसके भी काफी कस कस के गोलियां बजाता हूँ, वो भी नॉकडाउन हो जाता है। और यहाँ पर ना स्मोक स्मोक अच्छे से होता है और तभी इनका तीसरा टीममेट आकर यहाँ पर रिवाइव देने लग जाता है। लेकिन उससे पहले अभी मैं इनकी लंका लगाने वाला हूँ। तो लो भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लंका लगाने वाला हूँ, मतलब कि पहले मैंने लंका बनाई, लंका में बम डाले, फिर पटाखा बजा दिया और यहाँ पर सामने किला गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा ना अजीब तरीके से बोलने लग जाता हूँ कभी। तो फिलहाल यहाँ पर इन सबको मारने के बाद ना भाई, मतलब जोन के बाहर से बंदों की फायरिंग का साउंड आ रहा है। मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं यार जोन के बाहर जाकर किल चुराऊँ, लेकिन यार यहाँ पर ना ये आखिरी जोन है और आखिरी जोन इतनी तेज हेल्थ पीता है ना भाई, एक फर्स्ट एड तक नहीं लग पाती है। इसलिए मैंने कहा चलो भैया फटाफट अभी भग लो जोन में। और मुझे बस इस बात का डर था ना कि यार ये लोग जोन से ना मर जाए, लेकिन इनके पास भी गाड़ी होती है और जोन में पहुंच जाते हैं। और जैसे मैं बंदे बंदे ढूंढता हूं तो पूरा जार की वार की घूम रहा हूं भाई, कहीं बंदे मिल ही नहीं रहे होते। लेकिन जैसे मैं फाइनली आता हूं इस वाले घरों में, तो यहां पर एक डासिया खड़ी होती है और दो बंदे होते हैं, दोनों एकदम जहरीले कैंपर। अब सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं नीचे वाले घर में बंदे चेक करता हूँ, लेकिन ना तभी सामने वाली सिंगल स्टोरी से एक बंदे के ना नेट की पिन खींचने का साउंड आता है। और यहाँ पर आपको पता है इसका ऊपर वाला फ्लोर ना कैसा होता है, और अब देखना है इसके क्या नेट बजाऊंगा और कैसे रश करूंगा। तो भाई यार ये देखो, मतलब कि इस बंदे को पहले थोड़ा सा नेड का डैमेज पड़ा होगा, उसके बाद इसके ऊपर ही मैंने पूरे का पूरा गैस कैन फोड़ दिया और ये बंदा फिर भी नहीं मरा। शायद से जो बंदा लेटा होता है ना उसके ऊपर गैस कैन का डैमेज कम पड़ता होगा, पता नहीं क्या सीन होता है, लेकिन ये बंदा नहीं मरा था। तो उसके बाद मैंने एमके से दोबारा मारा। अब यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा रुका होता तो अभी सामने ना एक अलग ही टीम आ गई जो कि नेड वेड करने लग गई। और भाई सच्ची में ये टीम ना मेरे को कसम से मार देती, लेकिन तुम्हारा भाई जैसे तैसे बच के और थोड़ा सा किस्मत भी साथ देती है और चिकन निकाल दूंगा, देखते जाओ। तो भाई यार देखो, एंड में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ गया, मतलब कि जो जगह थी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इन लोग को ना MK-14 से मारना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जगह की वजह से सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन गई थी। तो चलो गाइस, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो जगह लाइक कर देना, चैनल भी न्यू तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आकर फॉलो कर लो। और जिस किसी को मेरे से बात करना है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो यार आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।